हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वुरर हब में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर के आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक अच्छी न्यूज़ के बारे में, जो फार्मेसी काउंसिल ने हमारे लिए अच्छी न्यूज़ को छोड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ हमारे जो फार्मेसी प्रोफेशन के जो लोग हैं उनके लिए, स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन है, झारखंड की जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन है, उसने क्या है, उसने एक नोटिस यहाँ पे रिलीज किया है। उस नोटिस में कहा गया यह है कि जो हमारे फार्मासिस्ट है, अब वो फीस लेकर इलाज कर सकेंगे, यानी अपना क्लिनिक खोल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, उस न्यूज़ को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं आप प्रॉपर। तो फ्रेंड्स, इसका पारूस तैयार किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, अब इसको पारूस को रिलीज़ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे, जैसे अभी झारखंड में लागू हो गया है, तो उसके बाद पूरे धीरे धीरे क्या होगा, पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे फार्मेसी प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जिसका न्यूज़ का बहुत सब बेसब्री से इंतजार था, वो न्यूज़ आखिर आ गई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं आप इसको। आपको मैं इसको डिस्कशन में पूरा आपको इसमें रिटर्न फॉर्म में दे दूंगा, डिस्कशन में वहाँ जाकर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में कहा गया यह है कि जो हमारे फार्मेसी है, वो क्या फार्मेसी सिस्ट है, वो क्या करेंगे, अब अपना क्लिनिक खोल सकेंगे, यानी पैसे लेकर के क्या कर सकेंगे, इलाज कर सकेंगे। तो ये इसमें लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका क्या, उसका मोटो ये रहेगा कि जो हमारे क्या है पेशेंट है, उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिल सकेगा, और क्या करेगा, जो फार्मासिस्ट है उनको भी अपना रोजगार मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें करना होगा ये कि जो हमारे फार्मासिस्ट हो गए, उनको इसके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही वो इसको क्या करें, अपना क्लिनिक संचालित कर सकें, अपना क्लिनिक को चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे फार्मेसी प्रोफेशन के लिए, तो इसीलिए सोचा कि आपके साथ साझा करूँ। तो फ्रेंड्स, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट एंड यू कैन स्टडी दिस न्यूज़ ऑन स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड कीप सपोर्टिंग।